मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट. ओके, नोइंग आवर नंबर्स, ये हमारा चैप्टर नेम है. इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, पार्ट वन इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर सकते. तो कुछ क्वेश्चंस को पार्ट वन में कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को पार्ट टू में कवर करेंगे. तो आइए इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उसको सॉल्व किया जाए. देखिए इसमें दिया है, अ मर्चेंट हैड 80,290 रुपीज विथ हिम. एक व्यापारी के पास 80,290 रुपये था. ओके, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 50 सेलिंग फैंस एट 1200, इट मीन्स 1200 रुपीज ईच. वह क्या करना चाह रहा था, वह 50 सेलिंग फैन को खरीदने के लिए ऑर्डर करना चाह रहा था, जिसमें प्रत्येक फैन का जो कॉस्ट था वो कितना था, 1200 रुपये था. हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर द परचेज, यानी कि खरीदारी करने के बाद से उसके पास से खरीदारी करने के बाद उसके पास कुल कितना रुपया बचा, ये हम लोग को पता करना है. ओके, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. हम लोग लिखेंगे, मर्चेंट हैड टोटल मनी, मर्चेंट हैड टोटल मनी, टोटल मनी इक्वल टू रुपीज 80,290. ओके, नाउ वी विल राइट द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ वन फैन, कॉस्ट ऑफ वन फैन इक्वल टू 1200 रुपीज, इट मीन्स 1200 रुपीज. नाउ नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ 50 सच सेलिंग फैंस, सेलिंग फैंस इज इक्वल टू, वन फैन का यहाँ पे कॉस्ट 1200 रुपीज है. तो इस तरह से 50 अगर हम लोग सेलिंग फैंस खरीदते हैं तो कितना कॉस्ट होगा, तो वन फैन का जो कॉस्ट है उसमें हम नंबर ऑफ टोटल फैन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1200 मल्टीप्लाई विद 50, दिस इक्वल टू 0 0 0 एंड 5 2 10 का क्या हो जाएगा, 0 5 1 5 एंड 1 6, इट मीन्स 60,000 विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ सच 50 सेलिंग फैंस. ये क्या हो जाएगा, 50 फैंस का ये टोटल कॉस्ट हो गया. अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर आफ्टर परचेजिंग, आफ्टर परचेजिंग फैंस लेफ्ट मनी, टोटल लेफ्ट मनी इक्वल टू, देखिए परचेजिंग करने के बाद से कुल कितना रुपया उसके पास बचा, तो कुल उसके पास इतना था, इसमें से इतने का क्या कर दिया, उसने फैन खरीद लिया, तो कितना रुपया बचेगा, तो टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे. तो 80,290 माइनस 60,000, ओके, सबट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 0 9 2 0 एंड 2, इट मीन्स 20,290 रुपीज विल बी द लेफ्ट आफ्टर परचेजिंग फैंस. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड रहीम्स हाउस, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड रहीम्स हाउस इज 1 किलोमीटर 420 मीटर. देखिए स्कूल और रहीम के घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 420 मीटर है. ओके, एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज, प्रत्येक दिन वो क्या करता है, जाते समय या आते समय दोनों साइड से क्या करता है, पैदल उस दूरी को तय करता है. ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इन 5 डेज. अब हम लोग को पता क्या करना है कि कुल 5 डेज में कुल कितना डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करें. देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस
बिटवीन द, बिटवीन को ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन द स्कूल एंड रहीम्स हाउस, रहीम्स हाउस इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 420 मीटर, दिस इक्वल टू 1.420 किलोमीटर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये आपका डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एवरी डे बोथ वेज, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, कवर्ड बाय हिम एवरी डे, एवरी डे बोथ वेज, बोथ वेज इक्वल टू, देखिए एक साइड से इतना डिस्टेंस है तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दीजिए, डबल का मतलब इसको 2 टाइम प्लस कर दीजिए, 1.420 ओके किलोमीटर, अगेन 1.420 किलोमीटर, और जब हम लोग प्लस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 0 + 0 = 0, 4, 8 and 2, 2.840 किलोमीटर विल बी द टोटल डिस्टेंस बोथ द वेज फ्रॉम बिटवीन द स्कूल एंड रहीम्स हाउस, ओके। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड बाय हिम इन 5 डेज, 5 डेज में वह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इक्वल टू, तो एक दिन का यह कवरिंग डिस्टेंस है, तो 5 डेज का निकालने के लिए 5 से इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.840 × 5, दिस इक्वल टू 14.200 किलोमीटर, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 14 किलोमीटर एंड 200 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, इस एक्सरसाइज का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। देखिए कि नोटबुक बनाने के लिए, एक नोटबुक, बहुत सारे नोटबुक्स को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ पेपर का शीट्स कितना है, यहाँ पे 75,000 है। ईच शीट्स मेक्स 8 पेजेज ऑफ अ नोटबुक, देखिए प्रत्येक शीट से 8 पेज का नोटबुक बनाया जा सकता है, ओके। ईच नोटबुक कंटेंस 200 पेजेज, टोटल पेज कितने हैं एक नोटबुक में, एक नोटबुक में 200 पेज आते हैं। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल, अब हम लोग को बताना है कि टोटल जो पेपर अवेलेबल है उससे टोटल कितने नोटबुक्स बनाए जा सकते हैं, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं विथ स्टेटमेंट्स। देखिए लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ शीट्स, टोटल नंबर ऑफ शीट्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स, अवेलेबल फॉर मेकिंग, अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इक्वल टू 75,000, ओके। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेज इन, नंबर ऑफ पेजेज इन ईच शीट्स ऑफ अ नोटबुक, ईच शीट्स ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू 8 पेजेज, ओके। नंबर ऑफ पेजेज इन ईच नोटबुक, नंबर ऑफ पेजेज
इन ईच नोटबुक, ईच नोटबुक इक्वल टू 200 पेजेज, 200 पेजेज। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, नाउ नंबर ऑफ सीट्स इन ईच नोटबुक, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच नोटबुक, ईच नोटबुक। देखिए नंबर ऑफ सीट्स पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 200 है, वन नोटबुक में नंबर ऑफ पेज 200 और नंबर ऑफ सीट्स कितना है, कितने का है, 8 पेजेस का है। नंबर ऑफ पेजेज इन ईच सीट इज इक्वल टू 8 पेजेज, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ सीट्स निकल जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 8 दिस इक्वल टू 25 सीट्स। ओके, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स इन 75,000 सीट्स इक्वल टू, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है, यानी कि 75,000 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, इसको डिवाइड हम लोग कितना से करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच नोटबुक, प्रत्येक नोटबुक में नंबर ऑफ सीट्स जो है 25 इसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, 3,000 नोटबुक्स, नोटबुक्स, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ बॉटल कंटेंस 900 ml ऑफ ऑयल। देखिए एक बोतल में कितना ऑयल आता है, कितना तेल आता है, 900 ml आता है, 900 ml आता है। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेंड इन 40 सच बॉटल्स। अब हम लोग को बताना है कि इस तरह के 40 अगर बोतल हो तो उसमें कुल ऑयल की कितनी क्वांटिटी आएगी। ठीक है ना, ये हम लोग को फाइंड करना है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी आर वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ओके, इन वन बॉटल, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन अ बॉटल इक्वल टू, कितना क्वांटिटी आता है, तो 900 ml एक बोतल में तेल आता है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेंड इन, कंटेंड इन 40 सच बॉटल्स दिस इक्वल टू, देखिए एक बोतल में इतना तेल आता है तो 40 बोतल में कितना आएगा, तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 000000 हो जाएगा, 4 9 36। ओके, इस तरह से कितना ऑयल आएगा, 36,000 ml। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, अगर लीटर में चेंज करें तो 36 को हम लोग क्या करते हैं, 36,000 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका लीटर, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, लीटर, यानी कि 40 बोतल में कितना तेल आएगा, कुल 36 लीटर तेल आएगा। ठीक है,